kemarin lagi nih gua jadi juga. कौन सा गांव है ये? मुबारकपुर शिव मंदिर। कम से 6 फीट की लगभग 6 फीट की गहराई पर स्थित श्री लक्ष्मण जी द्वारा निर्मित लक्ष्मेश्वर मंदिर मुबारकपुर जिला गाजीपुर। आप लक्ष्मणेश्वर मंदिर बता रहे हैं जी? हाँ। इनके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से मंदिर का नाम लक्ष्मणेश्वर मंदिर पड़ गया? पहले लखन जी थे जी, आए थे विश्वामित्र जी के साथ जी। इसके बाद उन्होंने यहाँ स्थापना लखन जी का अपने हाथों हाथ कर दी। इसके बाद यहाँ से वो लोग रामघाट गए। रामघाट कहाँ, कितना दूर है यहाँ से? बस बगल ही में है, बगल वहीं वो लोग पार किए, पार करके बक्सर गए। अच्छा जी। बक्सर जाके तारकापुर बदन से तालुका बद है, यहाँ से वो प्रोजेक्ट जी। हाँ। तो ये मंदिर लखन जी द्वारा स्वयं अपने हाथ से निर्मित? जी हाँ हाँ हाँ, अपने हाथों हाथ निर्माण किए। तो जो ये लिंग है वो शिव जी का लिंग है? हाँ, शिव जी का शिवलिंग है ना जी। हाँ, धन्यवाद।
श्री ललन पांडे। आप इस मंदिर के पुजारी हैं? जी हाँ, 40 घर हैं लेकिन एक एक दिन का पारी पड़ता है। पांडे आप कहाँ सकते हैं, कहाँ ग्राम क्या है आपका? ग्राम धमरजा है। क्या नाम है? धमरजा। धमरजा पोस्ट में मुड़ेरा का दिल। ये हम लोग लखन जी का जो ये मंदिर था, इस मंदिर से फिर मेन मुख्य सड़क पर जाते हुए, अब मुख्य सड़क पर जाके फिर हम लोग अमवा कोठी के लिए प्रस्थान करेंगे। गोरखपुर में जो विष्णु जी मंदिर है उसमें व्हाइट प्रतिमा है ना, वही वही इसके लिए हमने जगह लगता है काली माई मंदिर ना भगवान उसे पीला ही रहते मोनी 1951 समय था, 1951 में ही निकले थे। ये खंडहर कैसे है? कौन सा जो पहले टीला गिरा हुआ है? हाँ, ये पहले का था। क्या था? वो कोठरी बना था भगवान के लिए, मान लीजिए कि भंडार होना रखा। यहाँ कोई स्थान पहले भी था क्या? किला वाला टाइप का पुराना मंदिर? हाँ हाँ, पहले लखनेश्वर नाथ का मंदिर था। ये उसी मंदिर से जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, उस मंदिर से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो अलग से, ये बैरागी का है, वो सन्यासियों का है। तो इसको किसने बनाया? इसको ये मौनी बाबा ने निर्माण करवाया। और ये पहले प्रतिमा किसका था? पहले स्थान था बसंती बाबा का, वो समाधि देखे हैं, केवल समाधि नहीं था ये मंदिर ना। 1951 में ये भगवान जी निकले, हर चल रहा था इधर सामने खेत में। अच्छा, ये जमीन से निकली हुई मूर्ति? हाँ हाँ, तो ये मौनी बाबा बताए थे कि भगवान जी निकलेंगे, तब सावन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 1951 बताए सन था, तो निकले सावन महीना शुक्ल पक्ष। हाँ, जमीन के अंदर से शुक्ल पक्ष खुदाई के दौरान निकली। हाँ, जिसे मौनी बाबा द्वारा हाँ स्थापित कर दिया गया। सामने वो मंदिर लखन जी के, जहाँ से अभी हम लोग होके यहाँ इस मंदिर पर आए हुए हैं। सुदूर नदी का किनारा, किनारे बसे हुए गांव, और ये मुख्य मार्ग जो बलिया होते हुए बनारस को जाता है, इसी मार्ग पर अमवा की सती माई का स्थान है। और ये वो स्थान जहाँ मौनी बाबा की समाधि है। और ये उस लखन जी के मंदिर से आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक गंडक नदी पर बना हुआ पुल, उस पुल को पार करते हुए अगर इतना छोटा छोटा हाँ चलिए तो लगभग ये। और इस पुल से सती माई की दूरी मात्र 4 किलोमीटर रहते हुए, अब यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी रुपए से है। आइए
और यहाँ से आप अपने गाड़ी चले दस मिनट के भइल बा और ये अमुआ के सती माई के स्थान पर दोनों तरफ लगा हुआ विशाल बाजार इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है। अच्छा, ये स्थान धीरे धीरे कितने बुलंदियों पर जनमानस में अपना स्थान बढ़ाता जा रहा है।
भाग बना खाए
अच्छा चलिए आगे चलिए पहले प्रमुख सत्य स्थान निन्यानवे 36 हाँ चंदन मिलेंगे इस पर चंदन जी ये है प्रमुख सती चौरा जहाँ सती माइनस सत्य सती हो गई थी आपके पास से हमने 60 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं।
बोलते हुए हमारे यहाँ का हमने कहा था कि आज यह पहला चुनला इस मंडप में आपका पढ़ने जा रहा है, लेकिन यह मैंने इसे यज्ञ कर नहीं दिया बाबा जी। बगैर माँ के बुलाए हुए कोई आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था बाबा, भाग हो और कोई आदमी आता कि कथा दर्शन मिलना बाबा। और ये अमुआ के सती माई के पूरब साइड स्थित एक पोखरा, ये बाजार का अंतिम छोर। हाय हेलो, आपके सांप क्या कटल रहा महाराज? सांपवा क्या आपके कटल रहा? पानी चलाती आओ तरने जा। रास्ता में चना खेत घूमे लगने जा। पीछे से आई लफस लपेट तो उस गोड़ में। आप ख्याल करिए ना। अब अपन मित्र से बतियाओ तरने जा। काटो से यह चुभला। देखने तक लपेट वाले कार्य करने जा। कन्या भी आपके सांप छू दिया लग। एक मार जा। हाँ मित्र लोग कहेंगे नहीं, जब छूट लग जाए मार लो नहीं छोड़ देना। फिर भी वो हमने और रखे दिला ला, तो हम चलिए भाग। तब वो हमारा मित्र तरफ से हेतु है ला, तो हमने छोड़ जाए वहाँ से भाग नहीं जाए तो डरा लिया। कौन सा रहा? अब काला रहना, अब पहचानना पे नहीं जाए। फोटो कर रहा खड़ा हो जाते रहे तेरे जमीन से एक डेढ़ हाथ। कितना देर बाद बेहोश हो अगर छू लगे? नहीं हम गाड़ी पर आओ तो नहीं, रास्ते में इतनी दुनिया लगे लगा। अब कैसे बड़ा? कैसे जान ला कि सांप कट लगे अच्छा हो जाए? करीब करीब ये इधर 10-12 वर्षों से एकदम पूरे जिले में हम लोगों के। अच्छा, ये है मतलब गाजीपुर जिले में। अच्छा। और तक हम लोग क्षेत्रीय हैं, 25-30 किलोमीटर दूरी है धाम से। हम गाँव तो जोगा के बगल में गांव है सांपुरा छोटा सा, तो हम लोगों को जानकारी है इसी क्षेत्र के हम लोग हैं। तो हम लोगों को चूँकि जानकारी है कि माता के दरबार में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और ऐसे भी हम लोग दर्शन वर्शन के लिए हमेशा आते रहते हैं। जैसे 1 जनवरी है या और कोई मतलब नवरात्र है या पर्व है तो हम लोग आते रहते हैं, तो यहाँ हमेशा देखते हैं कोई ना कोई। अच्छा, आपके आँख के सामने मतलब आपकी जानकारी में अभी तक कितने लोग यहाँ सांप काटने से अच्छे हो चुके हैं आपकी जानकारी में?
करीब करीब हमारे जानकारी में यहाँ करीब करीब 20-25 लोग तो ठीक होके गए हैं हमारे क्षेत्र के। अच्छा 20-25 लोग। 20-25 लोग काटने के बाद। काटने के बाद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव। गाँव बताइए। गाँव ठीक है। मोबाइल नंबर थोड़ा बता दीजिए। गाजीपुर सती माई के जितना जड़ी से उनका शादी भर गया। उनका पति जी गरीब 100 महीना में उसका विधान बा पोखरा पर चलो गरीब में नहीं थे यहाँ के नहीं मिले वालों ले ले कुल भी ले लो। हाँ तो सब कुछ आता है तो मिल जाए। का करेल बनी के कर दब सब। अच्छा अच्छा कोनो तकलीफ बा का बा? कौन परेशानी का घर दुआर कौन परेशानी का कौन रोग बता बा? नहीं है पतला रहा बा पतला है ना। अच्छा लेके आई ले। अच्छा आप तो विश्वास बा माई ठीक कर दी हैं पूरा विश्वास बा? हम तो अपनी आस्था आप लोगों को बता देते हैं। हम यहाँ आप लोगों के तरीके यहाँ घूमते हुए आए, आप लोगों के सामने जिस तरह आप लोग दर्शन करने आए हम भी घूमते हुए रात को दिन डूबते डूबते आए। हमारे बच्चे थे, हमने एक और तो बच्चे नौकरी करते, एक को कहा कि जिस दिन हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी उसके सारे वेतन यहाँ पहले चेक में रजिस्टर कर लेंगे तब उसकी बात ठीक कर लेंगे। यही बच्चा हो उसके अभी तक वेतन मैंने नहीं खर्च किया एक तक वो मास्टर और एक बच्चा भी करके इसी बच्चे के नाम पर इसको मैंने इसके वेतन को अभी तक नहीं खर्च किया। किसमें नौकरी लगी है इनकी? भंडारा की व्यवस्था के तहत हमारे यूनिट के सभी लोग भोजन के लिए बैठते हुए जहाँ सांप रसाता हुआ बड़े से बड़ा गंभीर रोग भी यहाँ के सही हो जाता है कि सामने हमारे कैमरे पर इसका एक साक्षात उदाहरण लाइन है ना मंता लाइन था ना जो लोग
हमारे मित्र यहाँ लाए थे, शायद मैं याद तो नहीं था, लेकिन एक दो घंटे शायद मैं यहाँ गेहूँ टाइप लिटा हुआ था। उसके बाद मैंने 12 बजे में पानी बाकी था, तब मैं जितना आई थोड़ा सर दर्द था,
लेकिन अब धीमे धीमे करके अब हल्का हो चुका है, सामान्य हो गए हैं। हाँ अब सामान्य हो चुके हैं, मन प्रसन्न है। जी जी दम जीवन बच जाने का। हाय हम सती माई का धन्यवाद है कि हमें बचा ली। सती माई के लिए आप क्या कर सकते हैं अपने हिस्से से? अरे जो हमारी इच्छा है आप क्या कहें अभी। हाँ इनकी जिंदगी मिली है मेरी, कुछ करने का मन है। बहुत बहुत अब कहने से कोई फायदा नहीं है, करके दिखाना चाहिए। अच्छे और इस तरह से अमवा के सती माई के स्थान का हम लोग का डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का भी दौर पूरा हुआ। भोजन पानी तेल से हम बिस्तर मंगवा देंगे, कितने दिन आप रहना है कुछ। जय माता दी।
नाथ बाबा का मंदिर बहुत मंदिर है। नाथ बाबा का मंदिर क्या हुआ? पासी छोड़ देंगे हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना गंदगी भाई बताओ था कि पानी बरसात का है और एक कचरा सफाई भी नहीं करता। नगर महापालिका है, नगर महापालिका इधर नहीं है सर। सब वही ये हनुमान जी
ये लग रहा है हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। टान टान चुड़ैली आ रही है, कितने चुड़ैली आ रही है। एक संस्था है हमारी सामाजिक संस्था, तो ये धार्मिक स्थल है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है, तो इसके जानकारी इकट्ठा करके फिर हम लोग एक फिल्म बना के, तो एक नाथ बाबा के मंदिर के बारे में और इनकी विशेषता के बारे में जानना चाहते हैं। ये हरैया कहाँ है? सलेमपुर में इसका ऑफिस है। किस रोड पर? आज मिनहाज। मिनहाज आप कहाँ का रहने वाले? सलेमपुर के रहने वाले। प्रॉपर सलेमपुर की लार वगैरह? नहीं, सलेमपुर के ही रहने वाले। उसी बगल में एक गांव है छोटा सा सुहागरा। प्रॉपर सुहागरा जी। उमेश और सोनी रमेश मर गया, कई साल हुआ बिजली चोर से। वो लोग अपने सगे भांजे हैं, उनके जेठे भाई जो थे मन्नन मिश्र और उनके मछले थे ददन मिश्र, जिनके गोरखपुर में था बबुआ मर गया, आनंद थे, बच्चा थे, ये लोग उनके पांच छह। अच्छा, मतलब वो सुदामा को प्रधान जी से? हाँ, सुदामा जी जो प्रधान है, क्या लगते हैं आपको? कहाँ के सुदामा मिश्र नहीं है लार के बोल के? लारों के बोल सुदामा मिश्र प्रधान है समाज। नहीं, आपको लगते हो रिश्तेदार? रिश्तेदार है लाख मेरा। वो सुदामा मिश्र जी यानी कौन गाँव का प्रधान हुआ? देखिए कौन बुला कितना हिंदुस्तान को उजार दो तो ही बताओ। तो मंदिर के विकास तुमने कहा? विकास में कहता नहीं, पाकिस्तान के विकास कह रहे हैं वो। आज वह लोग पाल रहे, वह लोग पाल रहे। ये बताओ कैसे करो, चलाओ मत तो हमें तो कुछ घर के बात बतिया होता नहीं। हाँ, बतिया। ये बोर्ड छोड़वा ये प्रकृति का है ना, कहिएगा मेन कारण बतावे को। प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? या प्रकृति ने तो हमारे समझ से यही किया है कि जिसकी जहाँ जरूरत है। नाथ बाबा मंदिर वो स्थान नाथ सब।
की प्रतिष्ठा है, अगर सुनने निष्ठा न होगी तो सारे लोग आके आते हैं, जब ये ना जानते कि हमारा है तो आते क्यों। अच्छा, और तब हमारी जेठी बहन जीवित थी, उनकी जेठी भौजाई, उनके एक जेठे भतीजा है बंक का जो टाटा में रहते हैं, उसकी माँ, और वही बहन जब मरी उसको साफ कर दिया घर वाले तेरह चौदह के आस पास जब गाजीपुर जिला था उसमें गजेटियर जो गाजीपुर का उसमें ये है, और उस समय तीन संतों का उसमें है, बैकुंठपुर देवरिया पैकौली वाले महाराज है ना वो जी, देवरिया में जो है पैकौल है ना, और गाजीपुर जिले में हथियारा मठ, इन तीनों का एक ही लाइन में नाम सिद्धि में, और ये दर्शाया गया है कि ये तीनों संत जो थे योगी थे, आज भी हैं, और तीनों की दिव्य दृष्टि से एक जगह ये लोग अपने अपने जगह हम बैठ करके तीनों बात करते थे, उसमें लिखा हुआ है, और इनके दर्शन मात्र से मृगी और एक और रोग दो रोगों को दिया, उसने अंग्रेज ने लिखा है कि दोनों ठीक हुआ था, इन तीनों का नाम उसमें एक ही पढ़ने में एक ही लाइन में है, मृगी और एक और रोगी तीनों। हाँ अच्छा, उसके बाद नाथ बाबा बालकालिक साधु थे, बालकाल में ही इनका महाराजपुर गांव में जन्म हुआ था, यहीं पर महाराजपुर गांव है यहाँ थोड़े दूर पर रसड़ा के बगल में, ये महाराज राय के खानदान के बच्चों में थे, सेंगर वंश में उत्पन्न हुए थे, और बालकाल में ही बैराग्य से निकल करके अपना घूमने लगे, और इधर से घूमते घूमते ये लाहौर पेशावर की तरफ चले गए, और जब सिद्ध हुए तो फिर धीरे धीरे इधर आए, प्राप्ति के बाद वापस लाहौर की तरफ चले गए। हाँ, उस जमे के सिद्धों में ये लोग थे, आज नहीं, सुखी नदियां ना बहावे सो कबीरा अमर पट पावे है ना, कहा मगहर उस पर कबीर साहब का एक है, इस पर एक है, दोनों बिरादरियों का है, और उसी के किनारे इधर जो मघर के बगल में जो मंदिर आते हैं सट करके, एक माता जो अभी जीवित होंगे उपाध्याय घर की, वहाँ उस नदी को तो वही नदी सूखी हुई थी ना, उसमें कबीर साहब का गोरखनाथ जी के उनका झगड़ा हुआ, तो पानी सूखी नदी थी ना, तो पानी हो गया, और पानी होने के बाद कबीर साहब उसमें डूब जाते थे, कभी गोरखनाथ डूब जाते थे, मछली बंद कर उनको पकड़, उनको पकड़ा और क्या, तो उनके पिताजी का नाम महाराज के महाराज राय के खानदान में पैदा हुए थे, परिवार परिवार जात में से ना था महाराज जी। हाँ, मंदिर में प्रसाद तो उठा ली। अच्छा, ले ले अब ये आवाज अंतर कुछ काम होता है भाऊ। हाँ, और तब से ये बाल काल से है ना नागा संतों ने रहने लगे, नागा संतों क्षेत्र के लोगों ने बड़ी 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 चीजों को दिया, लेकिन इन्होंने कभी ने जीवन भर घूमते फिरते रहे, देखो अभी तुम फोटो हो नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल
बाबा काफी प्रॉपर्टी अभी तो पूरा जमीन होगा और ये शरीर यही दो आदमी इतने लंबे अंतराल में ब्राह्मण शरीर को उसको लिखिएगा नहीं उसको लिखने को आवश्यकता नहीं कुछ चीजें होती है कि नहीं लिखा तो कहने का मतलब ये यही सब थोड़ा खराश चल रहा है उन लोगों का खाना कि नहीं अपने ही उसका रहेगा अपने ही वंश का लोग बुरे कुछ नहीं वो लोग गिलगिलाते ही रहे अंत में वो पैसा सारा अंग्रेजों ने ताला भगवान का ताला भगवान